ये चलते हैं आपको यूपी के रामपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अराजकता है, कोई गुंडागर्दी है, कोई गुंडा नहीं, कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसको दबोच डालेगा वहीं पे। हमारा अन्नदाता किसान, देखो ना, अन्नदाता किसान पहले उसको बिजली मिलती नहीं थी, अब हमने 2600 करोड़ रुपए केवल इसी साल के बजट में दिए हैं फ्री नलकूप में सिंचाई की योजना के लिए। 2600 करोड़ रुपए केवल किसान को, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। ये सभी कार्य एक एक करके एक नए उसके साथ अन्नदाता किसान को समय पे उसका गन्ना मूल्य का भुगतान करवाना, उसकी उपज का एमएसपी से अधिक दाम उपलब्ध करवाने का कार्य करना, सरकार इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। और बहनों भाइयों, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था भी आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी को 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए शिलान्यास किया। इस 10.5 लाख करोड़ रुपए के शिलान्यास का मतलब 35 लाख नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। हमारा नौजवान जो पहले बाहर जाता था, कनाडा जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, यूरोप जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, देश के अलग अलग भागों में जाता था, नौजवान है अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में नौकरी पाएगा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को देगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का भी सम्मान है। सबके पर्व और त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है तो साथ साथ होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं, खुशहाली है, हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है, उसको सुरक्षा भी देना है और सुविधा भी देना है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं, रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करना है।